नमस्कार दोस्तों, एम्स ऋषिकेश ने अपना इम्पोर्टेंट नोटिस जो है निकाल दिया है दोस्तों 2 जनवरी 2020 को। और इम्पोर्टेंट नोटिस है जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला था उसकी डेट जो है उसने बता दी। और जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो होने वाला है 23 जनवरी को। और जो इसके एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड अपन को मिल जाएंगे 31 तारीख को, 8 तारीख को जो है मिल जाएंगे। ये एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है 3 आवर की है। एग्ज़ाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। जो नर्सिंग के सब्जेक्ट से उनमें से 80% आएगा, जबकि जो जनरल एप्टीट्यूट है उसमें से 20% आएगा। अब 80% टोटल क्वेश्चन दोस्तों कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। और 80% का मतलब हो गया जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसमें से 160 होंगे, और जो दूसरे बाकी सब्जेक्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपन को, 40 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। प्रत्येक एक क्वेश्चन के जो है 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक जो है उसका क्या होगा नेगेटिव मार्क्स होगा। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है दोस्तों वो है क्वालिफिकेशन मार्क्स। और क्वालिफिकेशन मार्क्स दोस्तों जनरल के लिए 60% है, और ओबीसी के लिए 55%, एसटी एससी के लिए कितने 50। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब हो गया सलेक्शन कराने के लिए इतने परसेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर दोस्तों देखो, इसने नीचे की तरफ एम्स ऋषिकेश ने एक और इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है कि अगर जो भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट कैसे होंगे, क्वालिफाई होंगे, उसके लिए उसने क्या भी जो है दिया है, जो है स्किल टेस्ट भी रखा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो जो सीट जो है एम्स की 350 है, क्वालिफाई इतने नहीं हो पाए, तो फिर वो स्किल टेस्ट नहीं लेगा जिससे कि हर बार करता है। और अगर इससे ज़्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर एम्स ऋषिकेश क्या लेगा, स्किल टेस्ट लेगा। इसके नीचे फिर इसने पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या जो है एग्ज़ाम के अंदर आएगा। तो दोस्तों लग जाओ तैयारी में, दिन रात एक कर दो, इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थैंक यू।